हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में पॉप स्लीव की कटिंग शेयर करने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूं, जिससे कि वो आसानी से समझ पाए। आज हम जो पफ बनाएंगे, ये हमें केवल शोल्डर में ही पफ बनाने हैं, जो हमारे शोल्डर के यहाँ पर उठे रहते हैं। नीचे स्लीव की हमारी पूरी परफेक्ट फिटिंग रहेगी। आज की वीडियो से आप लोगों को एक सिंपल स्लीव की भी कटिंग सीखने को मिलेगी और उसे पफ स्लीव कैसे बनाते हैं ये भी सीखने को मिलेगा। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्तर को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसे हम फोल्ड करके रख लेंगे। दोनों स्लीव को हम एक साथ में ही कटिंग करने वाले हैं। तो नीचे से हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो किनारी वाला हिस्सा हम कटिंग करके निकाल देंगे। एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारी नीचे से फोल्डिंग में जाएगा। स्लीव की लेंथ लगाएंगे, 10.5 इंच की लेंथ है, हाफ इंच ऐड करके 11 इंच में मार्क कर लेंगे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉप स्लीव की कटिंग आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ। पहले हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करेंगे, जैसे सिंपल स्लीव की करते हैं, उसके बाद उसे कन्वर्ट करेंगे हम पफ स्लीव में। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आर्मोर डाउन करेंगे 4 इंच में। इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। यहाँ पे एक बार हम स्लीव का राउंड लिख लेंगे, 10 इंच का स्लीव का राउंड है। आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे, जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। 16 इंच का आर्मोल है तो इसका हाफ कर लिया मैंने, 8 इंच में मार्क कर लिया है। स्लीव के बॉटम के लिए मार्क करेंगे, 10 इंच की स्लीव की बॉटम है उसका हाफ करेंगे, 5 इंच में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम स्केल ले लेंगे, स्केल से हम स्लीव्स को शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पेंट वाले स्केल का यूज कर रही हूँ, क्योंकि अंदर की साइड में देखिए हल्का सा गहरा अंदर साइड में जाता है, तो इससे स्लीव की फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठती है। बाहर की साइड से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग एकदम सिंपल तरीके से बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे 7 इंच, उसका हाफ करके 3.5 में मार्किंग कर लिया है। अब इस लाइन को हम ऊपर तक मिला देंगे। अब यहाँ से हमें इस लाइन को मेजर कर लेना है, तो 3.75 इंच आ रहा है तो उसका हाफ करेंगे हम, 2 से 1 पॉइंट कम में हम मार्क कर लेंगे, यानी 2 से 1 सूत कम में मार्क कर लिया है। इस लाइन को भी हल्का सा हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। देखिए, पूरा बॉक्स नहीं है, एक कॉर्नर मैंने निकाला है, वो कॉर्नर से आगे हाफ इंच बाहर की साइड मार्क कर लेना है। आर्मोल की साइड से 1 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। यहाँ पर से भी हमें 1 इंच अंदर की साइड मार्क करना है। यहाँ पर मैंने बिगनर्स के हिसाब से 2-3 पॉइंट निकाल दिए हैं। अब हम इस तरीके से फ्रेंच कर्व लेंगे और ये पॉइंट्स को मिलाएंगे। इस तरीके से एक शेप दे दिया। अब हम फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और आर्म होल की साइड को नीचे की साइड हमें शेप को बढ़ा देना है। उल्टा करना है फ्रेंच कर्व को, ध्यान दीजिए, अंदर की साइड गहरा होना चाहिए। अब हम ये बाहर वाले को करेंगे, ये हमारा बैक का आर्म होल का मार्किंग रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से किया। फिर से हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और इस तरीके से हमें जो हमने नीचे 1 इंच पीछे मार्क किया है, वो वाले पॉइंट में हमें ऊपर से शेप को मिलाते हुए आगे की साइड बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने सिंपल स्लीव की मार्किंग कम्प्लीट कर ली है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पॉप स्लीव में। तो इस तरीके से ऊपर की साइड को लाइन को मैं ड्रॉ कर लूंगी। अब हमें पफ के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ाना है, तो यहाँ से 3.5 इंच में मार्क हो गया और ऊपर की साइड में हमें 3 इंच में मार्क करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग मेजरमेंट अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये ब्लाउज मेरे कस्टमर का है, उन्हें बहुत ज्यादा पफ नहीं चाहिए, जो शोल्डर के यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ रहता है उस तरीके से हमें हल्का सा इसमें देना है। और छोटी छोटी प्लेट, 4 से 5 प्लेट हम एक साइड दे सकते हैं और सेम सेंटर से दूसरी साइड में 4 से 5 प्लेट। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 3 इंच का मैंने ऊपर की साइड में लेंथ लिया है। अगर आप लोगों को उससे ज़्यादा चाहिए तो आप 5 इंच का भी लेंथ ऊपर की साइड बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। फ्रेंच का उसे हमें नीचे वाले साइड में ही शेप को मिला देना है। तो इस तरीके से हमारा पफ स्लीव का मार्किंग कम्प्लीट हो गया है।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से जो हमने क्रॉस वाला कपड़ा है उसे हमें कट करके निकाल देना है और ऊपर से जो हमने मार्किंग करके रखी है इसी के ऊपर हमें कट करना है। आर्महोल के यहाँ पे हमें एक कट लगाना है, स्लीव के सेंटर में एक कट लगाएंगे और तीसरा कट हम लगाएंगे जहाँ पर से हमने पफ के लिए लेंथ बढ़ाई थी, तो एक कट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम वहीं से पफ स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स को हमें ओपन कर लेना है। अब हमें फ्रंट के आर्महोल की कटिंग करनी है, तो यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा गहरा अंदर की साइड कटिंग नहीं करना है, तो ये हमने कट कर लिया है। फिर से हमें स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है। अब हमने जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। मेन फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर अस्तर को रख के स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर को अलग से अटैच करना है, इसके लिए हम बॉर्डर को कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारा डिजाइन ऊपर और नीचे साइड दोनों साइड जा रहा है या एक साइड जा रहा है। अगर एक साइड डिजाइन जा रहा है तो उसे हमें ऊपर की साइड करना है। अब हम इसे साइड से हाफ हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के पूरे स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका बॉर्डर हमें अलग से ही ऊपर अटैच करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से डिजाइन जा रहा है उसके नीचे वाली साइड में बॉर्डर नहीं दिया है, जो आड़ा वाला साइड है उस साइड में बॉर्डर दिया है। तो ये हमारा स्लीव्स का बॉर्डर है और अगर हम इसे दोनों स्लीव में अटैच करेंगे तो इसमें साइड में ज्वाइंट लगेगा, लेकिन मैं ज्वाइंट नहीं लगाना चाहती। ऑलरेडी मेरे पास जो ब्लाउज की कमर का बॉर्डर था वो मेरे पास बचा है क्योंकि ब्लाउज में कस्टमर ने मना किया था कमर में लगाने के लिए। इस बॉर्डर को भी मैं स्लीव्स में अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा बॉर्डर रहेगा उसकी बाद में कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हमें इसे स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्लीव्स को कैसे अटैच किया जाता है वो भी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में स्टिक करके इसे फिक्स कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग अगर स्टिक नहीं करते हैं तो पहले आप कटिंग मत कीजिए, इसके चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के पहले फिक्स कर लीजिए, उसके बाद हमें इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो सेम तरीके से मैंने दूसरे स्लीव की भी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स के साथ में बॉर्डर को अटैच करेंगे, तो इस तरीके से हमें रखना है और पहले नीचे की साइड में हम सीधा स्टिच लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। अब हमें पाइपिंग को अटैच करना है। पाइपिंग मैंने पहले से ही रेडी करके रखी है, अगर आप लोगों को पाइपिंग बनाने की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने पाइपिंग प्लेन फैब्रिक से बनाया हुआ है जो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है। स्लीव्स का हमारा डिजाइन वाला है, अगर हम सेम डिजाइन वाले से बनाते तो उसका गेटअप उतना नहीं आएगा। प्लेन मैंने स्लीव्स में यूज किया है और ब्लाउज में मैंने डिजाइन वाले को यूज किया है। पाइपिंग अटैच होने के बाद अंदर की साइड में जो हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है उसे हमें कट कर लेना है। उसके बाद हमें पाइपिंग को पलट के अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से अस्तर से सिलाई लगाएंगे तो हमें बाहर की साइड में दाब सिलाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं एकदम किनारे में सिलाई दे दूँगी। नीचे की साइड में देखिए, मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड में पाइपिंग को अटैच करना है। उससे पहले हम हाफ इंच बॉर्डर को फोल्ड करेंगे, इसे हम पिन से सिक्योर कर लेंगे जिससे कि हमारा बॉर्डर सही जगह में रहेगा, स्टिच करने के टाइम पे क्रॉस नहीं होगा। अब हम अंदर की साइड में पाइपिंग को डालेंगे और पाइपिंग हमारी बाहर साइड रहनी चाहिए, जो उसका फैब्रिक है अंदर साइड डालना है। तो इस तरीके से हमें एक एक करके पिन को निकालना है, पाइपिंग को अंदर डालते जाना है और स्टिच लगाते रहना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बॉर्डर हमारा प्लेन आना चाहिए, इसके अंदर झोल नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। साइड में जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद ये एक्स्ट्रा बॉर्डर की हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव रेडी कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लूँगी। तो स्लीव को तो हमने फिक्स कर लिया है, अब हमें देने हैं इसके पफ के लिए छोटी छोटी प्लेट्स। तो पहले हमें सेंटर लेना है, सेंटर में भी मार्क कर लेना है और साइड में तो हमने कट की मार्किंग करके रखी है। तो यहाँ पर से हमें हल्की सी प्लेट नीडिल से देनी है, जिससे हम डोरी पलटते हैं वो वाली नीडिल मैंने ली है। जहाँ से हमने कट की मार्किंग कर दी है वहाँ पर से हमें प्लेट बनाना स्टार्ट करना है।
तो हल्का सा फैब्रिक हम अंदर की साइड डालेंगे और बाहर की साइड हमारी प्लेट बन जाएगी। तो इस तरीके से करते करते हमें स्लीव्स के सेंटर तक प्लेट बनानी है। अब यहाँ पर हमारी 4 या 5 प्लेट्स आ जाएंगी, अगर बहुत छोटी हैं तो 6 भी आ सकती हैं। तो इस तरीके से हम सेंटर तक लेके आए। अब सेंटर के बाद हमें प्लेट को उल्टा कर देना है। पहले हम अपनी साइड कर रहे थे, अब हमें प्लेट्स की साइड की तरफ को करके हमें दूसरी साइड की प्लेट को देना है। इस तरीके से करते करते हमने जहाँ पर कट का मार्किंग किया है दूसरी वाली साइड में, वहाँ पर तक हमें लाके स्टिच को बाहर निकाल देना है। तो ये देखिए इस तरीके से, ये केवल शोल्डर के यहाँ पर ही उठा हुआ दिखेगा, बहुत ज़्यादा पफ नहीं आएंगे, लेकिन शोल्डर के यहाँ पे हमारा पफ बनेगा। तो इस तरीके से मैंने एक स्लीव रेडी कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लूँगी। अब हम ब्लाउज ले लेंगे, ब्लाउज के साथ में मैं स्लीव्स को अटैच करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक साइड से लगा रही थी, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी, ये मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। तो मैं सेंटर निकाल के पहले सेंटर में हल्का सा स्टिच लगाऊंगी और एक साइड के स्लीव को हमें पहले स्टिच लगा लेना है। तो इस तरीके से हल्के हाथ से पकड़ना है, स्लीव्स को भी नहीं खींचना है और हमें ब्लाउज के पार्ट को भी नहीं खींचना है। फिर से हमें सेंटर में आना है, दूसरे साइड की तरफ को स्लीव को अटैच करना है। नीचे पफ की प्लेट को हमें बराबर कर लेना है, जिससे कि हम वो उल्टे साइड की तरफ फोल्ड ना हो। तो इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के स्लीव को भी अटैच कर लिया है। यहाँ पर एक बार आप देखिए किस तरीके से पफ ऊपर की साइड में आया है। तो ये देखिए केवल शोल्डर के यहाँ पे ही हमारा पफ बनेगा, नीचे स्लीव्स में पूरी फिटिंग रहेगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को फिटिंग दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने मार्किंग जो करके रखी है उसी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई है। तो फ्रेंड्स ये फिटिंग मैं इसके लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, कई बार कस्टमर का स्लीव्स अटैच करने के बाद जो आर्महोल के यहाँ पे सिलाई आती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो एक बार मैं ये दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद आप लोगों को वो सिलाई को दिखाऊंगी। अगर सही तरीके से आप लोगों की कटिंग रहती है तो वो सिलाई परफेक्ट जगह में आएगी। देखिए यहाँ पे किस तरीके से साइड वाली सिलाई पूरी आर्महोल की साइड गई है और जो फिटिंग वाली है पूरी एक लाइन में है। एक बार हम कमर का मेजरमेंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कमर का मेजरमेंट। तो यहाँ पे 29.5 परफेक्ट मेजरमेंट है। अब हम साइड में जो 2-3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा देनी है, 1/4 इंच का गैप देके या 1 फुट का गैप देके हमें उसके साइड में 2-3 एक्स्ट्रा सिलाई दे देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें साइड की फिटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ने स्लीव की कटिंग देखी और किस तरीके से हमने ब्लाउज में अटैच किया और उसके बाद जो आर्महोल में आपने सिलाई देखी है एक साथ में लाइन हमारी जारी है। कई बार बिगनर्स का ये होता है कि सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप देख सकते हैं सही तरीके से कटिंग रहेगी तो आप लोगों की सिलाई बराबर तरीके से एक लाइन में आएगी। तो ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी जो एक्स्ट्रा सिलाई लगानी है उसमें सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ने इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बैक साइड में हमने 12 इंच डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करी है, फ्रंट में हमने प्रिंसेस कट कटिंग करके पैड्स अटैच किए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये दोनों वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ साथ में आप ब्लाउज की भी फिटिंग देख सकते हैं और जो इन्होंने लहंगा पहन के रखा है इसका भी मैंने कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहां से जरूर देखें, आप लोगों को ओल्ड साड़ी को रियूज करने का एक आइडिया मिलेगा। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।